हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड के आज का डेली प्रॉब्लम्स क्वेश्चन जो कि है मिनिमम साइज सवेरे सम ओके तो ये क्वेश्चन लीड कोड मीडियम लेवल का क्वेश्चन है एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो अप्रोच को डिस्कस करेंगे मेरा फोकस बेसिकली फर्स्ट अप्रोच जो कि हम स्लाइडिंग विंडो से करने वाले हैं उस पर रहेगा ज़्यादा बट हाँ इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे आ, आपको इसने बोला कि इन वीगो ऑफ इन के साथ अगर आप इन लोग इनके अप्रोच को भी सोच सकते हो तो बढ़िया रहेगा तो हम लोग उस अप्रोच पे भी बात करेंगे बट उस पर आपको मैं थोड़ा एक थोड़ा सा आपको इनसाइट दे पाऊँगा ठीक है मैं मतलब मैं, उसका मैंने कोड नहीं लिखा मैंने मैंने वीगो इन का लिखा मैं आपको सोलूसन आपको उसका तो नहीं दे पाऊँगा यहाँ पर आप कहीं से भी जाके सोलूशन सेक्शन में आप देख लेना मैंने देखा दो तीन लोगों का तो हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे ठीक है क्वेश्चन आसान है क्वेश्चन क्या करा कि आपके पास एक नम्स नाम का एरे है और एक टारगेट इंटीजर मिल रहा है आपको ठीक है नम्स एरे है और एक टारगेट इंटीजर मिल गया आपको क्या करना है एक मिनिमम लेंथ बतानी है एक मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे तो आपको उसका लेंथ ही रिटर्न करना है एक्चुअली एक मिनिमम लेंथ सब एरे जिसका समझ होगा समझ होगा वो टारगेट या टारगेट से बड़ा होगा तो एटलीस्ट उसका समझ होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए ठीक है अगर कोई भी ऐसा सब एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता मतलब पूरे एरे का जो हम सम लेंगे वो टारगेट से भी छोटा हो गया ठीक है टारगेट लेट सपोज यहाँ फोर दिया है अब मैंने सबको वन 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 कर दिया तो इन दैट केस आपको जीरो रिटर्न करना मतलब कोई सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपका लेंथ जीरो हो गया ठीक है तो यहाँ पे उसके बाद इन लोगों ने फॉलो में दिया है कि इफ यू हैव फिगर आउट द दिगो एन सॉल्यूशन ट्राई कोडिंग अनदर सोलूशन फॉर विच द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन लॉग इन पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको बोला जा रहा है मतलब एक्सपीरियंस मेरे, मेरे के हिसाब से मुझे पहला क्वेश्चन दिखा जहाँ पे आपको कि बीगो n अप्रोच जो कि जाहिर सी बात है सबसे अच्छा अप्रोच यहाँ पे मुझे लग रहा है बट है कि आपको बोला जा रहा है कि दूसरा अप्रोच भी आप सोचो ट्राई करो उस पर जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ये बेस्ट वाले से ज्यादा है ठीक है तो ये इसका क्वेश्चन ये, ये जो बात बोली जा रही है इसका मतलब बस यही है कि उस अप्रोच को जब आप समझोगे उसका थोड़ा सा डिफरेंट परस्पेक्टिव होगा समझने को हम लोग जो ये स्लाइडिंग विंडो जो बिग ऑफ एन अप्रोच में देखेंगे वो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा दोनों ठीक है बैनरी सर्च और स्लाइडिंग विंडो दो अलग अलग पॉइंट यहाँ पे आ रही है हम लोग दोनों पे के करके डिस्कस करें पहले क्वेश्चन को समझते हैं उसके बाद कैसे ये स्लाइडिंग विंडो या बैनरी सर्च के अप्रोच में आएगा हम कैसे समझ रहे हैं इसको वो सब देखते हैं तो इसने क्या बोला है कि एक सब एरे चाहिए सब सब एरे क्या है कंटिन्यूस सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट तो इस तरीके का है अब जैसे ही आपको ये बना तो किसी के मन में अगर एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट आपको स्लाइडिंग विंडो जैसा भी लग सकता है दिमाग में आएगा तो यहाँ पे क्या है कि एक इस तरीके का आपका एक सब एरे बनेगा ठीक है सब एरे एक नहीं कई भी बन सकते हैं और इसका जो सम ऑफ़ एलिमेंट होगा सम ऑफ एलिमेंट ये जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट कम से कम टारगेट इतना तो होना ही चाहिए तो टारगेट से ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ओके okay, तो यहाँ पे इस इस तरीके से बहुत सारे सवेरे हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे करके सेगमेंट आपका बन सकता है राइट right? एक तो पहला है कि सबसे बड़ा जो एक पूरा का पूरा हम ले लें वो भी सवेरे बनेगा अगर पॉसिबल रहा तो फिर ठीक है उसके बाद जैसे देखो अगर हम हम बात करते हैं इस वाले एरे पे तो आपके पास टारगेट फोर है एरे क्या है वन फोर फोर तो अगर बीच में कहीं एक विंडो ऐसे एग्जिस्ट करती होगी तो जाहिर सी बात है कि हम पूरा ले लेंगे तो भी आंसर एग्जिस्ट करेगा वो भी एक सवेरे है जो टारगेट से ज़्यादा या बराबर पे है राइट तो बेसिकली क्या है यहाँ पे ये सबसे बड़ा आपका मिलेगा अगर पॉसिबल है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो नहीं है उसको छोड़ दिया हमने ठीक है तो लार्जेस्ट केस में ये आपका सबसे बड़ा मिलेगा और उसके बाद ये छोटा होते हुए बहुत सारे सवेरे ऐसे बनेंगे अब उसमें आपको जो मिनिमम लेंथ है वो आपको बेसिकली हर समय आपको लेंथ को ट्रैक करके रखना है और जो मिनिमम लेंथ है उसको आपको रिटर्न करना है right? राइट अब समझो ये लेट सपोज आपका एक सवेरे है जो कि आपका क्या कहते हैं सेटिस्फाई uh, कर रहा है कंडीशन मतलब सम जो है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है तो अगर इसमें हम एक नया एलिमेंट ऐड करेंगे वो भी आंसर होगा तो जाहिर सी बात हमें नहीं करना है तो एडिंग नहीं होगा अगर हम एक एलिमेंट जब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं मिनिमम तब होगा जब वो लास्ट एलिमेंट ठीक है वो लास्ट एलिमेंट ऐड और रिमूव होगा जिसके बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी तो ऐड करने की बात है नहीं ऐड करना है मतलब मिनिमम लेंथ को बिल्कुल आप स्केप करो वो मिनिमम लेंथ पे जा ही नहीं रहो तो अब बात है इरेजिंग का हम इरेज कर रहे हैं तो इरेज करने करते करते हम वो लास्ट एलिमेंट को देखेंगे जहाँ पे इरेज करने के बाद भी हमारा सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट मतलब हम सिंपल से ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट रख सकते हैं या इक्वल टू टारगेट जैसा रख सकते हैं ये ऐसा कुछ बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट वहाँ जहाँ लास्ट वो इंडेक्स बनेगा वहीं पे हम लोग रुकेंगे एज सुन एज वो हमारा रीच करता है इस तरीके से कोई विंडो लेट सपोज हमारा एक विंडो रीच किया हमने आई है और यहाँ पे जे है ये वो लास्ट है कि हमने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया और जो लास्ट सबसे लास्ट एलिमेंट रिमूव करना था वो सब रिमूव करने के बाद भी अभी बच रहा है तो इसमें लेंथ कितना होगा इसमें लेंथ आपका कितना होगा जे माइनस आई प्लस वन ये ये आप समझ रहे हो जे लेंथ आपका एंड पॉइंट है आई आपका स्टार्ट पॉइंट है ये किसी भी तरीके से तो ये विंडो का जो इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे तो जे माइनस आई प्लस वन टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट यही होंगे तो यही आपका सवेरे एक सवेरे बना और जिसका साइज मिनिमम है ठीक है मिनिमम जो भी बन रही है उसमें तो जे माइनस आई प्लस वन ऐसे जितने भी सवेरे बनेंगे उन सब का हम जे माइनस आई प्लस वन लेते जाएंगे और उसका एक मीनी नाम के वेरिएबल जो भी हम रख लें इसमें आपको अपडेट करते हुए चलना तो इससे क्या होगा आपके जितने भी उस पर्टिकुलर विंडो में मिल रहे होंगे उन सब का हम मिनिमम वैल्यू जो होगा उसको हम अपडेट करते हुए फाइनली हम सबसे मिनिमम जो होगा उसको हम लोग पिक करेंगे ठीक है तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से बेसिकली इसको कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है आपका पहले आप स्टार्टिंग विंडो आप यहाँ पे रख रहे हो हमारा फिक्स नहीं है हम जब तक जाएंगे जब तक कि पहला विंडो एक लेंथ का ना मिल जाए तो एक विंडो मिल गया ठीक है जहाँ पे पहली बार टारगेट जो के सम से ज़्यादा सम ऑफ एलिमेंट होगा तो ये एक विंडो मिला अब हम इस विंडो को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्टिमाइज़ में क्या है नए एलिमेंट को ऐड नहीं करना तो हम ऐड नहीं करेंगे तो हमने इसको फिक्स किया जे पे अब यहाँ से यहाँ तक सबका सम अगर लेंगे तो वो ज़्यादा ही है बट हम इस विंडो को सरिंग करना चाह रहे हैं छोटा करना चाह रहे हैं ताकि हमारा मतलब जो ऑप्टिमल बेसिकली बनेगा वो होगा तो इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसको हम रिमूव करेंगे तो भी विंडो का साइज सम जो होगा वो टारगेट से बड़ा होगा तो हम उस विंडो को यहाँ से बेसिकली छोटा करना शुरू कर देंगे आई प्लस वन करेंगे इसको हटा देंगे फिर इसके बाद इसको हटा के चेक करेंगे इसको हटा कर चेक करेंगे इस तरीके से हम हटाते हुए लिस्ट यहाँ पर आके हमने हटाया और ये बन गया ये एक विंडो बना अब नेक्स्ट जैसे ही इसको हो गया तो हम एक और एलिमेंट को ऐड करेंगे और हम देखेंगे कोई और दूसरा विंडो बनता है ठीक है इस तरीके से हम सारे विंडो को चेक करेंगे और अपडेट कर लेंगे इसके रिगार्डिंग हम कोड देख लेते हैं फिर मैं आपको बैंडरी सोल्यूशन बैंड्री सर्च वाला सोल्यूशन है उस पर ले जाऊँगा मैं और वहां पर हम लोग बात करेंगे कि क्या डिफरेंट है तो ये आपका ठीक है ये साइज कैलकुलेट हो गया मीन लेंथ तो जो आपका आंसर होने वाला मीनी लेफ्ट और यहाँ पे राइट आई और ये बेसिकली है सम ठीक है हम जैसे ही राइट में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं हमने सम लिया जैसे ही सम टारगेट या टारगेट से बड़ा हुआ तो हमारा विंडो मिल चुका है अब हम इसके लिए क्या करेंगे हमने विंडो को अपडेट किया ठीक है हम हर एक के लिए अपडेटिंग कर लेते हैं सम लास्ट एलिमेंट को हटाया लास्ट एलिमेंट के पोजीशन को बढ़ाया अब फिर से क्या होगा अगली बार फिर से ये चेक होगा कि अगर अभी भी सम बड़ा है क्या तो अगर बड़ा है तो फिर ये अपडेट करेगा ठीक है सम घटेगा तो ये हो रहा हमने इतना ये विंडो लिया चेक किया लास्ट हटाया फिर चेक किया लास्ट हटाया चेक किया और इस तरीके से बढ़ रहा ठीक है जैसे ये नहीं हो पाएगा टारगेट के हिसाब से छोटा हो गया अब हम एक नया एलिमेंट को ऐड करेंगे जो कि आपका ये फॉर लूप में चलेगा तो इसमें क्या होगा आई वाला जो लूप है और ये जे वाला लूप है दोनों एक एक बार ये पूरा का पूरा वर्ष केस में आपको यहाँ से यहाँ तक है? ट्रेवर्स करेगा जो कि बिगो ऑफ टू इन जैसा कुछ है इसको हम लिनियर में बिगो ऑफ एन समझ सकते हैं ठीक है तो ये एक लीनियर अप्रोच है जहां पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो बिग ऑफ वन है और एक एक तरीके से मैं बोलूं कि पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज जैसा है ठीक है बेस्ट अप्रोच है ये लेकिन ठीक है चलो ये, ये चीजें हम यहां पे कर लेंगे मीन लेंथ अगर अपडेट नहीं हुआ मतलब इंट मैक्स नहीं रहा तो आपको जीरो कर देना बाकी जो मीन लेंथ है वही रिटर्न होगा ठीक है लेकिन अब जो दूसरा अप्रोच इसने बोला कि इसमें बाइनरी सर्च इन लॉग इन टाइप का कोई अप्रोच आप कर सकते हो तो करो तो इसमें हम लोग अब क्या करने वाले हैं इसमें इसमें थोड़ा सा इस अप्रोच में एक नए नजरिए से सोचने की पॉइंट है तो लेट सपोज ये पूरा एरे है इस पूरे एरे में आपका एक विंडो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिसका सम टारगेट या टारगेट से बड़ा है हमें इस विंडो को खोजना है ठीक है हमें इस विंडो को खोजना है तो इसके लिए मैंने क्या किया मैंने एक मार्क लिया ठीक इसका सम मुझे पता है कि कोई टारगेट या टारगेट से बड़ा है तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके सम को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग तो प्रिफिक्स वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं प्रिफिक्स सम का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं हमने यहाँ से यहाँ तक का सम लिया और हमने यहाँ से यहाँ तक का सम को ठीक है हम यहाँ से यहाँ तक के सम को बेसिकली ये वाला समट हम यहाँ इसको लेते हैं थ्री सोल्ड कि ये टारगेट ही है बस ये जो है वो टारगेट है टारगेट से बड़ा भी होगा तो ठीक है मतलब इसकी वैल्यू कम से कम टारगेट होनी चाहिए तो इसका क्या होगा इसका अगर पूरा सम कैपिटल एस, तो एस माइनस टारगेट होगा अब कोई भी एलिमेंट जो इससे या इससे छोटा कोई एक एलिमेंट मुझे यहां पर नेज लास्ट वो एलिमेंट मिलता है हम लोग वहां तक चल सकते हैं समझ हो ना इसका टारगेट या टारगेट से बड़ा हो सकता है तो इस वाले पार्ट का एस माइनस टारगेट या टारगेट एस माइनस टारगेट से छोटा होगा वो वो लास्ट ठीक है तो उससे छोटे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एलिमेंट मिल लो पॉसिबल है तो वो लास्ट एलिमेंट मुझे चाहिए मैं वहाँ पे जाके रुकूंगा और वो अपना आई को सेट करूँगा और यहाँ से ये वाला मेरा जो करेंट पोजिशन होगा वो जे होगा तो ये एक विंडो बन जाएगा ठीक है इसी चीज़ को बस फाइंड आउट करना तो आप यहाँ पर आपने प्रिफिक्सम लिया अब ये जो आपको फाइंड आउट करना है ये आप यहाँ पे बाइनरी सर्च से कर सकते हो नहीं तो एस में आपके पास अपर बाउंड का फंक्शन भी बना बनाया दिया हुआ है और जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है लोअर बाउंड और अपर बाउंड और उसमें मैंने ये चीज़ बोला है कि ये चीज़ें आपको कभी कभी इतनी अच्छे तरीके से यूज होता है और ऐसे क्वेश्चन में आपको यूज होगा जहाँ पर आप मुश्किल से सोच पाते हो ठीक है और यहाँ पे आप देखो तो अपर बाउंड का यूज हो रहा अपर बाउंड क्या करता है आप जिस भी एक एक रेंज ऑफ जिस कंटेनर का आपने प्रोवाइड किया और एक वैल्यू किया डाला लेट सपोज तो ये वो लास्ट इंडेक्स बताता है जो के, के से जस्ट जो होगा वो ग्रेटर होगा वो फर्स्ट इंडेक्स आपको बेसिकली रिटर्न कर देगा फर्स्ट इंडेक्स जहाँ पे के से वैल्यू बड़ी वैल्यू आपको पॉसिबल होगा तो हम लोग अब यहाँ पे हमारे पास दो सोल्यूशन है या तो हम बाइंडरी सच लगा लेंगे या तो अपर बाउंड अपर बाउंड भी देखो तो इंटरनली आपको बाइनरी सर्च का रिप्रेजेंटेशन है इम्प्लीमेंटेशन तो अंदर में यही चल रहा राइट right? तो अब ये क्या होगा आपको हर एक पोजीशन के लिए आपके पास मोस्ट वर्स्ट केस में आप एक अपर बाउंड या लो सॉरी एक एक बैंड्री सर्च का आप कॉल कर रहे हो तो इन दैट केस इन पोजीशन के लिए लॉग इन का एडिशन होगा तो इन लॉग इन आपका बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा और ये जो पोजीशन रिटर्न करेगा और ये पोजीशन जो हम खड़े हैं फिर से हम वही करेंगे यहाँ पे हम इसके साइज़ को लेंगे जे माइनस आई प्लस वन और फिर से वो मीन लेंथ वाला जो है वो ऐड होता जाएगा सॉरी अपडेट होता चल जाएगा और फाइनली हमें लास्ट में मिनी लेंथ मिल जाएगा ठीक है तो इसका मैंने कोड तो नहीं लिखा है बट हाँ आप चाहो तो इसके कोड के लिए डिस्कशन में जाओ सॉल्यूशन सेक्शन में और आप किसी का कोड देख लो मैं एक यहाँ पे किसी एक रैंडम बंदे का खोलता हूँ ठीक है माइट वी की स्लो है चलो कोई नहीं सी प्लस प्लस तो हम लोग C++ में ही मैं ज्या जितना ज़्यादा को लिख पाता हूँ वही लिखता हूँ उसमें तो बैंड्री सर्च का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार तो आप चाहो तब अपर बाउंड का यूज़ करो या तब बैंड्री सर्च खुद से भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और ये कॉन्टेस्ट तो है नहीं कि आपको जल्दी सबमिट करना ठीक है।, है तो वैसे चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पर ओके तो ठीक है इन्होंने कुछ अलग ढंग से ही इसको यहाँ भी आप देख सकते हो बैंड्रेज सर जैसा कुछ आपको दिख जाएगा और इसको वो फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है टू पॉइंटर से लैंडिंग विंडो में तो हमने देख चुका है मैं एक बंद बन, दूसरे बंदे का कोड देखा था उनका कुछ ज़्यादा बढ़िया लग रहा था मुझे टू अप्रोच माई टू विड भी है या सो yeah. so, यहां पर देखो यहां पर वही सेम चीज हो रही है हरेक पोजिशन के लिए पहले प्रिफिक्स निकाल लिया गया हम लोग वही कर रहे हैं उसके बाद सर्च आपके हर एक पोजीशन के लिए लोअर बाउंड या अपर बाउंड जो भी आप उसको उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा जैसे लोअर बाउंड में वैल्यू प्लस टारगेट है वहाँ पे आपका ये माइनस टारगेट ऐसा कुछ लाइक जो बनेगा ठीक है तो ये वैल्यू रिफिक्स आई माइनस वहाँ थोड़ा चेंज होगा बस उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना चीज़ों को ठीक है ओके तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बाकी जो भी आपको डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय